किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हर बार खबर बुरी हो यह जरूरी भी नहीं होता, कई बार यह भी होता है कि बहुत बुरी नौबत के बीच भी कोई अच्छी खबर हो सके। ऐसी ही एक अच्छी खबर जिसको कई लोग खबर नहीं मानेंगे लेकिन मैं मान रहा हूँ, वो मणिपुर से आई है। आज सुबह मुझको मणिपुर की बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखने मिली जो राहुल गांधी के वहाँ के दौरे की हैं। वो राजधानी इम्फाल के बाद जो वहाँ दूसरा सबसे बड़ा हिंसाग्रस्त इलाका था चुड़ाचांदपुर का, वहाँ वो हेलीकॉप्टर से पहुँचे और वहाँ उन्होंने राहत शिविरों में जाकर लोगों से मुलाकात की। महिलाएं उनसे उसी तरह लिपट कर मिली जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों पर मिलती थी। बच्चे उनसे लिपटे, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखी। बस यही आज की सबसे बड़ी खबर है कि 56-57 दिनों से जो प्रदेश जल रहा है, 60,000 लोग बेदखल हो चुके हैं, 110 से अधिक लाशें गिर चुकी हैं, जहाँ इतना बड़ा भारत पाकिस्तान जैसा विभाजन हो चुका है दो समुदायों के बीच में कि एक दूसरे के साथ रहने की गुंजाइश नहीं है, ऐसे बेदखल परिवारों के बच्चों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट हो सकता है कि इन 56-57 दिनों में पहली बार आई हो, या कम से कम ये मुस्कुराहट मेरे देखे हुए इन 56-57 दिनों में बाहर से आए हुए किसी नेता के सामने इन बच्चों की पहली मुस्कुराहट है। इन महिलाओं के पहले आंसू हैं जिनको बाहर से आया हुआ कोई कंधा नसीब हुआ हो, चाहे वो राहुल गांधी रहें चाहे कोई और रहे। मैं तो आज केवल ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली से वहां पहुंचे हुए नेताओं के सामने किस तरह से महिलाओं के आंसू बह रहे हैं, किस तरह से महिलाएं सड़क के किनारे भीड़ लगाकर कतार में खड़ी होकर लाइन से नारे लगा रही हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता से उनको मिलना है, कैसे उसके जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, कैसे ये बच्चे लिपट रहे हैं राहुल गांधी से, इसको देखना चाहिए। ये छोटे छोटे से दो वीडियो हैं, हम इस बुलेटिन में ये छोटे से दो वीडियो आपको दिखाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। और मैं बस केवल ये खबर देना चाहता हूँ आपको कि जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है मणिपुर, जिसको बाकी तमाम देश के अधिकतर लोगों ने देश का हिस्सा नहीं मान लिया है, जिसको दिल्ली के नेताओं ने बिल्कुल ही देश का हिस्सा नहीं है ऐसा मान लिया है, वहाँ पर अगर दिल्ली से कोई एक नेता पहुँचा है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। किसी के आंसू बह रहे हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। एक प्रदेश जो जल रहा है, एक प्रदेश जो तबाह हो रहा है, उसको अगर किसी के आने से थोड़ी सी मुस्कुराहट नसीब हो रही है, आंसुओं को एक कंधा नसीब हो रहा है, तो यही लोकतंत्र है, यही इंसानियत है। मुझको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे राहुल गांधी को कोई पब्लिसिटी मिल रही है या नहीं, मुझको फ़र्क ये पड़ता है कि देश के दूसरे बहुत से बड़े बड़े नेता इस मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, यहाँ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो कंधा वहाँ गया है उस कंधे की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, जो हाथ वहाँ गए हैं जिन्होंने उन बच्चों के सिर पे हाथ फेरा है, उनके गालों पर हाथ फेरा है, मैं उस हाथ की तारीफ़ करना चाहता हूँ। बस आज इतना ही।